वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं रवि रोशन आप सबों का लेट्स लर्न कॉमर्स के इस ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और कॉमर्स के इस क्लास में जब कोरोना और बाढ़ जो है अपने क्लाइमैक्स पे है, बच्चों की पढ़ाई बाधित है, हम आपके लिए हर रोज़ लेकर आते हैं दो वीडियोज, जिससे आपके क्लास में कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आप घर पर भी रह के सेफली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। तो मुझे भी थोड़े से सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है, और इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ ही आप हमारे चैनल को शेयर भी कर दें, ताकि आपके रिलेटिव्स और आपके दोस्त भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। आप हमारे वीडियोस को देखने के बाद उस पर कॉमेंट और लाइक ज़रूर करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, वहाँ आपको सिंपली टाइप करना है रवि रोशन KR6388। तो स्टूडेंट्स, होप कि आप सभी अपने फैमिली के साथ अच्छे हों इस कोरोना और बाढ़ के त्रासदी में। आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन, और BST की हमारी ये क्लास होगी। और सबसे पहले हम जानते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस की, जिसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पिछले क्लास में कवर कर लिया था, कुछ ऑब्जेक्टिव बचे हुए थे जिसे हम आज करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो होगा वो होगा अर्निंग प्रॉफिट, उसके बाद मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। थर्ड टॉपिक हमारे डिस्कशन का आज होगा वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। चौथा टॉपिक हमारे डिस्कशन का होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिफ्थ टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन विल बी बिजनेस रिस्क, एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो ये छह टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। आप सब वीडियो के आखिर तक बने रहिए, स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो हमने एफ तक पिछले क्लास में कर लिया था, सॉरी डी तक कर लिया था, आज हम ई से करेंगे कि ई पॉइंट पे क्या है। तो ई जो पॉइंट है इसका, वहाँ है अर्निंग प्रॉफिट, ठीक, लाभ कमाना। ये अकाउंट बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, और हम कह सकते हैं कि ये मूल उद्देश्य है व्यापार का। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न ए रिजनेबल प्रॉफिट विच इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। मतलब ये हुआ कि अर्निंग प्रॉफिट जो है वो व्यापार के तमाम ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। और इसके साथ ही अर्निंग प्रॉफिट क्या है, तो ये हम मेज़र करते हैं अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हमने कितनी पूंजी लगा रखी है व्यवसाय में, और उस पर रेट ऑफ रिटर्न जो है कितना है, इस बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं अपने प्रॉफिट को। वही चीज़ आगे भी लिखा है कि प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता जिसको बोलते हैं, इसे जनरली कैपिटल इन्वेस्टमेंट के टर्म में या उसके रिलेशन से ही हम निकालते हैं कि हमारी लाभदायकता कितनी प्रतिशत है, ठीक। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न ए रिजनेबल प्रॉफिट। रिजनेबल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है उचित लाभ, ठीक। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न ए रिजनेबल प्रॉफिट विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो आगे वो रन ही नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि बिजनेस के सर्वाइव करने के लिए और उसके ग्रोथ के लिए प्रॉफिट हो, रिजनेबल प्रॉफिट हो। तो ये था पांचवा ऑब्जेक्टिव। हम बात करेंगे छठे ऑब्जेक्टिव की, और छठा ऑब्जेक्टिव है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, ठीक। प्रबंधकों के परफॉर्मेंस का और उनके डेवलपमेंट का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, वो क्या होता है। तो लिखा है बिजनेस एंटरप्राइजेज नीड मैनेजर्स टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी। व्यापारिक गतिविधियों को, व्यापारिक क्रियाकलापों को चलाने के लिए मैनेजर्स की, प्रबंधकों की बहुत बड़ी योगदान होती है। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम कई प्रोग्राम जो हैं ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि उन्हें मोटिवेट करते रहें हम समय समय पे, और इसके साथ ही उन्हें इंसेंटिव देते रहें, ताकि वो नई नई चीज़ें क्रिएटिव माइंड का यूज़ करके नई नई चीज़ें हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे इस एंटिटी के लिए कर सकें और एक्टिवली वर्क कर सकें, ठीक। वही लिखा है बिजनेस एंटरप्राइजेज नीड मैनेजर्स टू कंडक्ट ए एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी। वेरियस प्रोग्राम फॉर मोटिवेटिंग मैनेजर्स नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब ये ज़रूरी है कि मैनेजर्स को मोटिवेट करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम संचालित किए जाएं, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एक्टिवली वर्क ऑन दिस पर्पस। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संगठन को इस उद्देश्य पे मुख्य तौर से काम करने चाहिए। आ रही बात समझ में। चलिए स्टूडेंट, हम मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड पे, और यहाँ हम देख रहे हैं वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड।
तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फैक्ट्री का, किसी भी कंपनी का या किसी भी फर्म का वर्कर्स जो होते हैं वो उस फर्म की जान होते हैं। अगर वो ना रहें तो फर्म में काम कौन करेगा, और जब काम ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर बिजनेस या फर्म या कंपनी किस बात की। ठीक, तो इसीलिए वर्कर्स को भी उनके परफॉर्मेंस को और उनके एटीट्यूड को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। लिखा है डिटरमाइंस देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये तय करता है कि किसी भी एंटिटी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी रहेगी, और जब प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होगी, लाभदायकता भी हमारी अच्छी होगी। तो इन सब को डिपेंड रहना पड़ता है वर्कर्स पे। देयरफॉर इसीलिए एवरी इंटरप्राइजेज मस्ट एम एट इम्प्रूविंग इट्स वर्कर्स परफॉर्मेंस, और इसीलिए ज़रूरी है कि वर्कर्स के परफॉर्मेंस पे हम ध्यान दें और उसको एम करके उन्हें इंसेंटिव के माध्यम से, अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से, उन्हें अच्छे तरीके से बात करके, कोई फेस्टिवल्स है तो उन्हें कपड़े या मिठाइयाँ बाँट के, बोनस डिस्ट्रीब्यूट करके हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो और लगन से और मेहनत से हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, और इस तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं हम। और लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका अर्थ होता है सामाजिक जिम्मेदारी या सामाजिक उत्तरदायित्व। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है कि हम अपने रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट कर दें, दान दें, किस चीज़ के लिए, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और सोशली डिज़ायरेबल जो मैनर है उसके अकॉर्डिंग हम काम करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने जहाँ पे कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना लगा रखा है या कहीं कोई फैक्ट्री लगा रखी है, वहीं पे बगल में कच्ची सड़क है, बाढ़ में पानी आने के कारण वो सड़कें टूट जाती है। ठीक, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ क्या है? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि चूँकि हम उस पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलाया करते हैं, अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो गाड़ियाँ हम यूज़ करते हैं वो उसी रास्ते से होकर जाती हैं, तो हो सकता है इस कारण भी उस रास्ते में प्रॉब्लम आई हो, तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको ठीक करवाएं, और फिर लोगों को भी आने जाने में दिक्कत ना हो, और इस तरह से हमारा भी काम बनता रहे। ठीक, तो यही कहलाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम अपने रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट कर दें सोसाइटी के लिए, और इसके साथ ही हम सोसाइटी के लिए जो डिज़ायरेबल मैनर है, जो वहाँ ज़रूरत है जिस चीज़ की, हम उसके अकॉर्डिंग काम करें। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हम चिमनी खोलने जाते हैं तो सबसे पहले हमें उस गाँव के मुखिया और सरपंच से इस बात की पुष्टि करवानी होती है कि हम वहाँ पे खोल सकते हैं या नहीं। वो फिर ब्लॉक से इस बात का कंफर्मेशन लेते हैं, और ब्लॉक देखती है कि आसपास के लोगों को इससे कोई ख़तरा तो नहीं, इसका पॉल्यूशन जो है लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, या वहाँ की आबादी कितनी है, और इसी बेसिस पे फिर वो अप्रूवल देती है इसकी, और तब हम वहाँ पे अपनी चिमनी लगा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये भी एक ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस का। ठीक, तो ये थे बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव, जो 8 ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े। अब हम बात करेंगे बिज़नेस रिस्क की, व्यापारिक जोखिम की, कि क्या होते हैं बिज़नेस रिस्क। द टर्म बिज़नेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कुछ अनिश्चितताओं के कारण या आकस्मिक इवेंट्स के कारण, घटनाओं के कारण क्या होता है, कभी कभी प्रॉफिट जो है इनएडिक्वेट हो जाती है, मतलब अपर्याप्त हो जाती है, जिससे हमारा काम नहीं चलेगा, अदरवाइज कभी कभी लॉसेस भी हो जाया करते हैं। तो इन्हीं को बिजनेस के लैंग्वेज में हम बिजनेस रिस्क के नाम से जानते हैं। ठीक, रिस्क बहुत ही कॉमन वर्ड है। रिस्क का मतलब क्या, कहीं नुकसान होने की संभावना, तो बिजनेस में नुकसान होने की संभावना को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं, हम साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, डिमांड फॉर ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर और ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर्स। जैसे मान लीजिए कि आप पिकल्स का व्यापार किए हुए हैं, चटनी सप्लाई करते हैं, अचार सप्लाई करते हैं, अचानक क्या हुआ कि लोगों को आपके टेस्ट के बजाय किसी और प्रोडक्ट का टेस्ट पसंद आने लगा, और इस कारण लोगों ने आपके सामान को ख़रीदना कम कर दिया या बंद कर दिया, या फिर उनकी पसंद, जैसे मान लीजिए कि आप कोई लेडीज़ कॉर्नर से रिलेटेड या फैशनेबल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, शर्ट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जीन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अचानक क्या हुआ कि आपकी जो डिज़ाइनें थी वो लोगों को पसंद नहीं आई, तो इस तरह से क्या होगा, आपके वस्तुओं के, आपके जो प्रोडक्ट हैं उनके डिमांड में अचानक क्या होगा, फॉल होगा, वो डिक्लाइन करती चली जाएंगे। नहीं,
उनमें पतन होना शुरू हो जाएगा और इसी कारण से बिजनेस रिस्क जो है वो उभरता है। दूसरी बात कि मार्केट में कई कॉम्पिटिटर्स होते हैं, हमारे कई राइवल्स होते हैं जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छे प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को सुधार के उनके दामों को कम करके लेकर आते हैं, तो इसीलिए यहाँ भी संभावना बनती है बिजनेस रिस्क की। आगे लिखा, बिजनेस एंटिटी कॉन्स्टेंटली फेस टू टाइप्स ऑफ रिस्क। जनरली बिजनेस के जो रिस्क होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पेक्यूलेटिव और दूसरा होता है प्योर। क्या है ये स्पेक्यूलेटिव और क्या है ये प्योर? तो लिखा है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और लॉस। मतलब कि स्पेक्यूलेटिव रिस्क में क्या होता है कि हो सकता है प्रॉफिट भी हो या हो सकता है लॉस भी हो। ये जनरली होता है मार्केट के कंडीशन के कारण, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, मान लीजिए कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसके कारण अचानक से क्या हुआ कि हमारे वस्तुओं हमारे प्रोडक्ट्स का दाम बहुत गिर गया तो हमें लॉस हो जाएगा। मान लीजिए कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी आ गई जिसके कारण, मान लीजिए पेट्रोल हमने पहले से स्टॉक करके रखा है और फिर अचानक क्या हुआ, आज ही रात को अनाउंस हो गया कि पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब स्पेक्यूलेटिव लॉस में क्या होता है कि प्रॉफिट की संभावना भी बनी रहती है और लॉसेस की संभावना भी बनी रहती है, ऑलराइट। जबकि प्योर लॉस जो होता है इसमें क्या होता है, या तो लॉस होगा अदरवाइज लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट की कहीं से कोई बात नहीं, या तो लॉस होगा नहीं तो लॉस नहीं होगा। इसके एग्जांपल आप देख लीजिए, इसके एग्जांपल लिखे गए हैं, स्ट्राइक हो सकता है वर्कर्स के यूनियन में, कई बार उनकी मांग को पूरा नहीं करने के कारण वो लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ठीक, जिसके कारण क्या होता है हमारा प्रोडक्शन ठप पड़ जाता है और इस तरह से हमारा व्यापार बाधित होता है, तो इसके कारण क्या होगा, केवल लॉस होगा, प्रॉफिट की तो कहीं कोई बात ही नहीं है। दूसरा, आग लगने के कारण या चोरी होने के कारण, यहाँ भी अगर आग लगती है या चोरी होता है तो क्या होता है कि हमारा गुड्स जो है पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो यहाँ भी केवल लॉस ही होगी भाई, प्रॉफिट की तो कहीं से कोई बात ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं प्योर रिस्क। होप कि आपको स्पेक्यूलेटिव और प्योर रिस्क में पूरी तरह अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड पे, और यहाँ हम देख रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, जिसको हम अलग अलग हेडिंग्स के अंतर्गत पढ़ेंगे कि बिजनेस रिस्क के प्रकृति क्या होती हैं, उनके नेचर क्या होते हैं। पहला है, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं के कारण व्यापारिक जोखिम का उदय होता है या जन्म होता है। अराइज मतलब जन्म होना या उदय होना, तो व्यापारिक जोखिम जो है वो अनिश्चितताओं के कारण होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अनसर्टेनिटी रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या होना है इस बात की जानकारी हमें नहीं होती है, इस जानकारी की कमी होती है और इसी को हम अनिश्चितता के नाम से जानते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भविष्य में क्या होना है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है और इसी को हम अनिश्चितता से संबोधित करते हैं या बोलते हैं। जैसे नेचुरल कैलमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे अभी अभी आपके सामने ज्वलंत उदाहरण है कोरोना महामारी, इसके अलावा बाढ़, क्या हो रहा है, सारे के सारे बिजनेस ठप पर गए हैं, छोटी से बड़ी दुकानें सारी बंद हैं, सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयों की दुकानें और जो राशन की दुकानें हैं वो खुली हैं, बाकी सारी दुकानें बंद हैं, तो उनको कितना सारा नुकसान उठाना पड़ रहा होगा, कितने सारे प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हैं, ठीक। इसके अलावे चेंजेस इन डिमांड एंड प्राइसेस, प्राइस में चेंज के कारण या डिमांड में चेंज के कारण, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटिव हैं, ठीक, अंतर संबंधित हैं। प्राइस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो डिमांड क्या होता है, घट जाती है। इसके अलावे हम दूसरी पहलू की ओर अगर देखें तो क्या होता है कि प्राइस अगर बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो डिमांड काफ़ी इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो इसके कारण भी बिजनेस रिस्क जो है वो होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था पेट्रोल का, तो वहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी काम करती है। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, कभी कभी क्या होता है तकनीकी सुधार के कारण तकनीक बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो फिर पुरानी चीज़ों को लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और वहाँ भी बिजनेस रिस्क अराइज होना शुरू हो जाता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल हैं अनसर्टेनिटी के, जिसके बारे में हमको पता नहीं है। गवर्नमेंट रिस्क के बारे में हमें पता है क्या कि आगे क्या पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की, हो सकता है कोई पॉलिसी आ जाए अगले ही रात, नहीं। इसके अलावा डिमांड और प्राइसेस के बारे में भी हमको नहीं पता, ये सब तो कस्टमर कब किन का मन बदल जाए कहना मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अनसर्टेनिटी को डिफाइन करती हैं। आ गई बात समझ में? तो ये है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। दूसरा है, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, हर व्यवसाय का जोखिम जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है या महत्वपूर्ण अंग है। बहुत हद तक ये बात सही है, रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट नॉट एलिमिनेटेड, रिस्क को कम किया जा सकता है लेकिन एलिमिनेट किया नहीं जा सकता, बिल्कुल घटाया नहीं जा, खत्म नहीं किया जा सकता।
ठीक है, रिस्क होता ही है, बिना रिस्क के कोई व्यापार हो ही नहीं सकता, किसी चीज़ में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन होता ज़रूर है। और ये ज़्यादा और कम जो है ये डिपेंड करता है कि उस बिज़नेस का नेचर कैसा है या उस बिज़नेस का साइज कैसा है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक, वही लिखा है, एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। ठीक है, कोई बिजनेस जो है रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता, उसका त्याग नहीं कर सकता, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जैसा कि अभी अभी मैंने आपसे कहा कि रिस्क कितना है, हाउ मच, ये डिपेंड करता है कि बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है और उसका नेचर क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस आर द मेन फैक्टर्स विच डिटरमाइन द अमाउंट्स ऑफ रिस्क। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, इससे बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। तो नेचर ऑफ बिजनेस से देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक तरफ मेरी दुकान जो है वो फर्नीचर की दुकान है, या प्लास्टिक के फर्नीचर मैं सप्लाई करता हूँ, बेचता हूँ। दूसरी ओर आपकी जो दुकान है या किसी और व्यापारी की जो दुकान है वो सब्जियों की, मछली की और मिल्क प्रोडक्ट्स की दुकान है। ठीक, तो क्या होता है, तो नेचर क्या है इस बिज़नेस का, कि मेरा जो है प्लास्टिक का गुड्स ये कई सालों तक अगर नहीं भी बिके तो सुरक्षित रहेगा, टूटने फूटने का डर जो है ना के बराबर होता है, और इसीलिए इसका रिस्क कम होता है। जबकि मिल्क प्रोडक्ट्स हुए, फिशेस हुए, अंडा हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं, सब्जियां हुई, ये क्या होगा, 2 से 3 दिन अगर नहीं बिके तो क्या होगा, फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे वो सड़ना शुरू हो जाएगा। फ्रीज में भी कितना दिन, 4, 5, 6 दिन, इससे ज़्यादा जैसे ही होगा वो सड़ना शुरू हो जाएगा, और फिर उसमें बहुत सारा घाटा हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई कि नेचर के अकॉर्डिंग कैसे इसका रिस्क डिपेंड करता है। दूसरी ओर हम बात कर लें साइज़ की। अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरी कोई दुकान है, छोटी सी दुकान है, राशन की दुकान, और आपकी कोई दुकान है होलसेल दुकान। ठीक, तो आपने जो होलसेल खोल के रखा है तो आपके पास गोडाउन होंगे, गोडाउन में बहुत सारी बोरियाँ होंगी, चीनी की बोरियाँ होंगी, चोकर की बोरियाँ होंगी, दाल की बोरियाँ होंगी, आटे की बोरियाँ होंगी। लेकिन मेरे यहाँ क्या होगा, मेरे यहाँ छोटा सा डिब्बा होगा, कनस्तर होगा, टीन का या आयरन का, और उसमें मैं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रखूँगा, चूँकि मैं तो रिटेलर हूँ। तो रिस्क की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि किसी कारण से, जैसे इसी कोरोना महामारी की बात करें, तो कोरोना महामारी के कारण से मेरी भी दुकान मान लीजिए बंद हो गई, आपकी भी दुकान बंद हो गई, तो फिर क्या होगा, तो आपके यहाँ चूहे जो है अपना काम शुरू कर देंगे, नहीं, सारे बोरियों में छेद करना शुरू, उनको काटना शुरू, उनको छींटना शुरू कर देंगे, आपको घाटा ज़्यादा लगेगा। जबकि मेरे यहाँ क्या होगा, मेरे यहाँ जो है कनस्तर में रखा हुआ है, तो एक तो वो डैमेज नहीं होगा, अगर सड़ता भी है या गलता भी है तो बहुत कम होगा। ठीक है, तो यही अंतर है, और इन्हीं चीज़ों से हम समझते हैं कि नेचर और साइज़ के अकॉर्डिंग जो है रिस्क जो है बिज़नेस का वो डिपेंड करता है मेनली इन्हीं पे। ठीक है, आगे बात समझ में। फैशनेबल गुड्स जो होते हैं, यहाँ एग्जांपल में लिखा है कि फैशनेबल प्रोडक्ट्स या गुड्स जो होते हैं उन पे हाई डिग्री का रिस्क होता है। ठीक है, चूँकि उनके मार्केट में उनके प्राइस जो होते हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जीन्स जो है अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है, काफ़ी चला हुआ है, तो उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगले ही दिन सपोज़ कीजिए कि किसी एक्टर ने एक अच्छा सा जीन्स पहन लिया और उस जीन्स की डिमांड काफ़ी बढ़ गई, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च हो गए जो कम दाम में आए, तो फिर क्या होगा कि ये पहले से जो जीन्स अवेलेबल थी उसकी मार्केट प्राइस बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि फैशनेबल गुड्स जो होते हैं या फैशनेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, हायर डिग्री ऑफ रिस्क होते हैं। और आगे हम देखेंगे अपने फोर्थ हेड्स को, और यहाँ है प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ये लास्ट स्लाइड है हमारा और लास्ट पॉइंट पे हैं हम। प्रॉफिट जो है रिवार्ड है किसका, रिस्क टेकिंग का। एक लोकोक्ति है हमारे यहाँ, नो पेन नो गेन या नो रिस्क नो गेन, दोनों हैं, कि बिना दर्द के हम लाभ अर्जित नहीं कर सकते या बिना रिस्क लिए हम लाभ अर्जित नहीं किए कर सकते। तो ये पुरानी कहावत जो है या पुराने सिद्धांत जो हैं ये हर बिज़नेस पे, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे उसका नेचर कैसा भी हो, हर जगह इक्वली अप्लाई होता है। और बिजनेस में जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट की संभावना होगी। ठीक, और इसके ठीक अपोजिट जितना कम रिस्क होगा उतनी ही कम प्रॉफिट की संभावना होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि कोई होलसेलर है और मैं छोटा दुकानदार हूँ, तो मान लीजिए कि लॉकडाउन नहीं हुआ होता तब क्या होता, उसके सामान ज़्यादा बिकते हैं, उसके यहाँ लोग ज़्यादा आते हैं, उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती, तो उसकी प्रॉफिट भी तो ज़्यादा होती। तो चूँकि रिस्क वहाँ ज़्यादा था इसीलिए उसकी प्रॉफिट भी ज़्यादा है, लेकिन मेरे यहाँ क्या होगा, मैंने तो कम सामान रखा है, चूँकि मेरी पूंजी कम है, कैपिटल मैंने कम लगाया,
तो फिर क्या होगा, मेरे यहाँ बिक्री कम होगी, मैं उसके एक और उसके तुलना में प्रॉफिट जो है वो कम अर्न करूँगा। आगे बात समझ में? तो इसीलिए कहा गया है कि जितना ज़्यादा हायर चांस होगा प्रॉफिट का, उतनी ही ज़्यादा ग्रेटर रिस्क होगी, और जितना कम रिस्क होगा उतनी ही कम प्रॉफिट की संभावना होगी। तो दस वी कैन से द प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो रिवार्ड है रिस्क टेकिंग का, जोखिम जो हम लेते हैं उसी का पारितोषिक होता है प्रॉफिट। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम कुछ और टॉपिक्स को लेके, एक दिन और ये चैप्टर हमारा चलेगा और उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज़ कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वेट कीजिए, तब तक नेक्स्ट क्लास में जल्द ही हम आप लोगों के सामने कुछ और टॉपिक्स को, इस क्लास के आखिरी पहलू को हम लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।